हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, जोमैटो लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, 8% प्लस में क्लोज हुआ है। जोमैटो का शेयर 116 पे गया और 52 वीक हाई था 120 रुपीज़। बात करेंगे सबसे पहले रेवेन्यू की, तो सितंबर 22 में रेवेन्यू था 1660 करोड़ रुपीज़, जून 23 में बढ़कर हो गया था 2410 करोड़ रुपीज़, और अभी सितंबर 23 में आया है 2850 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, 1660 करोड़, 2410 करोड़ और 2850 करोड़। तो अच्छा खासा जंप रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है जोमैटो के। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 22 में लॉस था 251 करोड़ का। जून क्वार्टर में हम सब लोग जानते हैं कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आई थी और प्रॉफिट था 2 करोड़ का, और अभी सितंबर 23 में प्रॉफिट बढ़कर आया है 36 करोड़ का। रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो जोमैटो के रिजल्ट शानदार कहे जाएंगे। हालांकि आपको लगेगा कि भाई रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़कर नहीं आया है, बट ये फ्यूचरिस्टिक और जो कंपनियाँ होती है, न्यू एज कंपनियाँ होती है, इसमें टर्न अराउंड होने को धीरे धीरे टाइम लगता है। तो कंपनी टर्न अराउंड दिखा रही है, पर आप जानते हैं इस क्वार्टर में अभी जो IPL का वर्ल्ड कप चल रहा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला शेयर रहेगा जोमैटो का, क्योंकि सब लोग घर पे बैठकर मैच देखते हैं, खाना वाना बनाते नहीं हैं। तो इसका क्वार्टर थ्री भी बहुत शानदार आने के आ सकता है आने वाले दिनों में, इसलिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा। जिन लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि जोमैटो का रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आया है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, और कंपनी एक बार प्रॉफिट में आ गई और प्रॉफिट बढ़ते रहा, तो इसको कहते हैं टर्न अराउंड स्टोरी। तो टर्न अराउंड स्टोरी जोमैटो में देखने को मिल रही है, इसीलिए रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और पॉजिटिव कहे जाएंगे। तो आने वाले दिनों में जोमैटो में तेजी बनी रह सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।